इस वक्त मौजूद हैं पूर्व ब्लॉक प्रमुख और वर्तमान में जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी के पुरुषोत्तम गंगवार जी। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आज माननीय मुलायम सिंह यादव जी का जन्मदिन था, किस तरीके से मनाया आपने? हम सब लोगों ने आज नवाबगंज पार्टी कार्यालय पर उनका केक काट कर धरती पुत्र माननीय नेताजी, जो पूरे भारतवर्ष के नेताजी हैं, उनका जन्मदिन मनाया और उनकी दीर्घायु की सब लोगों ने प्रार्थना की। नवाबगंज विधानसभा से आपने टिकट का आवेदन कराया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? टिकट का आवेदन किया, आवेदन करने का जो भी कार्यकर्ता है, जो भी पार्टी में, सबका अधिकार है। आप सक्रिय नजर नहीं आ रहे हैं बिल्कुल। हम सक्रिय हैं, हम मीटिंगें कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जितनी पार्टी की मीटिंगें होती हैं, जो कार्यक्रम होते हैं पार्टी के, हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। एक दावेदार और हैं, पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार जी, उनने विशाल जनसभा करी और इसके अलावा कई सभाएं वो कर रहे हैं लगातार, लेकिन आपकी अभी तक कोई ना ही सभा देखने को मिली है, ना ही कहीं क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं आप, तो किस तरीके की तैयारी है आपकी फिर? उनकी सभा में भी हमारी सभा थी, हम भी उस सभा में मौजूद थे। यानी उनकी सभा का सिरा इस लेना चाह रहे हैं आप? एक ही सभा थी, समाजवादी पार्टी की, माननीय नेताजी की, अखिलेश यादव की, सबकी सभा थी। नहीं, कोलड़िया में तो माननीय भगवत शरण जी कर रहे थे उसका संचालन, आप कहाँ थे उस सभा में? सब लोग मौजूद थे उस सभा में। आप भी थे? हम भी थे। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, माननीय पुरुषोत्तम गंगवार जी की सभा कब होगी, होगी या नहीं होगी? वो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, जब टिकट होगा तब सभा होगी। नहीं, टिकट के बाद में सभाएं करेंगे, उससे पहले का कोई वो नहीं है। जो पार्टी के कार्यक्रम आ रहे हैं, वो हम सब लोग, पूरी पार्टी, जितने भी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं, सब मिलकर कर रहे हैं और सब एक साथ कर रहे हैं, कोई अलग अलग नहीं कर रहे हैं। सबका लक्ष्य एक ही है, जो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट होगा, जिसे माननीय नेता अखिलेश जी हमारे सबके नेता हैं, जिसे वो टिकट देंगे उसी को सब। नहीं, मैं इसके अलावा आपको बताना चाह रहा हूँ, ऐसे माननीय छोटेलाल गंगवार जी हैं पूर्व विधायक, वो भी दावेदार हैं समाजवादी से, वो भी अलग क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, डोर टू डोर घूम रहे हैं। भगवत जी हैं, वो भी घूम रहे हैं। आप कहाँ घूम रहे हैं? हम भी घूम रहे हैं। कहाँ दिख रहे हैं आप? आप हमारे साथ चलो, हम दिखेंगे। रोज जाते हैं आप? नहीं, रोज नहीं जाते हैं, जाते हैं जब पार्टी का कार्यक्रम या कुछ आता है तब जाते हैं क्षेत्र में। सक्रिय हैं आप? हाँ, सक्रिय हैं। किस आधार पे आप टिकट की मांग कर रहे हैं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ। हमारा एक आधार है कि माननीय जो हमारे नेता अखिलेश यादव जी हैं और जो हमारे यहाँ नवाबगंज के नेता माननीय भगवत शरण गंगवार जी हैं, उन्हें पार्टी पार्लियामेंट लड़ाएगी और जब उन्हें पार्लियामेंट लड़ाएगी तो विधानसभा का टिकट किसी दूसरे आदमी को देगी और जब दूसरे आदमी को देगी तो हमने अपना आवेदन किया। अभी तो पहले तो विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा में जो दावेदारी कर रहे हैं वो भगवत शरण गंगवार जी हैं, 5 बार के विधायक, 2 बार के मंत्री हैं, वो इतना बड़ा उनका कद है राजनीति में और उनके सामने आप भी दावेदारी कर रहे हैं, तो आपके पास मजबूत आधार क्या है, कैसे आप टिकट के लिए उपयुक्त रह पाएंगे? जी, राष्ट्रीय नेतृत्व देखेगा क्या मजबूत है, जो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा वही तय होगा। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो ये आवेदन है हुआ है आपका, या वास्तव में आपने टिकट के लिए आवेदन कराया है कि आपको टिकट मिले, आप चुनाव लड़ें, या सिर्फ लोगों के कहने पे, आप जो आपके समर्थक हैं उनके कहने पे आपने सिर्फ आवेदन कर दिया है, सिर्फ हवा हवाई? नहीं, मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने किसी के कहने पे आवेदन कर दिया है, मैंने आवेदन अपने स्वयं किया है। तो भगवत जी के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? आपके सामने भगवत जी हैं जी, मजबूत दावेदार, तो आप कैसे उन्हें टक्कर देंगे टिकट के लिए? हम टक्कर दे ही नहीं रहे उन्हें। तो आपने हाथ खड़े कर लिए हैं अभी से? ना, हाथ भी नहीं खड़े कर लिए। टक्कर क्या कराए? टक्कर देने की बात, टक्कर मेरा मतलब ये टक्कर, ये एक टिकट है, टिकट के लिए आप भी दावा कर रहे हैं, वो भी दावा कर रहे हैं, तो आप कैसे, ये किस आधार पे वो टिकट अपने हाथ में लेना चाहेंगे, क्योंकि सामने आपके बहुत मजबूत दावेदार हैं। वो हमारे नेता हैं भगवत शरण गंगवार। तो आवेदन वापस लेंगे फिर? ना, वापस भी नहीं लेंगे, जो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा वो होगा। और इसके अलावा मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे, आपके बहुत ही नज़दीकी रमेश गंगवार जी थे, वो आपके मित्र या रिश्तेदार जो भी थे, आपके साथ में अक्सर देखने को मिलते थे, उन्होंने एक सामाजिक, एक बहुत बड़ा समारोह करा था, विवाह समारोह, जिसमें 251 शादियाँ करी थी, लेकिन देखने को मिला आप उसी दिन नवाबगंज छोड़ के कहीं बाहर चले गए, ऐसी क्या नाराजगी है उनसे? नहीं, मेरा बेटा नैनीताल पढ़ता, मैं अपने बेटे को नैनीताल छोड़ने गया था, कोई नाराजगी वाली बात भी है? कोई नाराजगी नहीं। और उन्हीं का आपने इंटरव्यू लिया था तो उन्हीं ने के शब्द थे कि जो हमारे साथ है वो हमारा अपना है और जो हमारे साथ राजनीतिक रूप से नहीं है उसके लिए जो भी कहा था उन्हीं ने कहा था। क्या कहा था? अब जो भी कहा था आपसे कहा था, आपके इंटरव्यू में है, आपने देखा होगा, राजनीतिक रूप से हम उनके साथ नहीं है। तो उनने तो अपने इंटरव्यू में ये कहा, जो मेरे साथ में वो मेरा अपना है, जो मेरे साथ में नहीं वो मेरा विरोधी और दुश्मन है। तो आप यही मान रहे हैं उन्हें? वो मान रहे हैं, हम नहीं मान रहे हैं। नहीं, उनने तो आपको बुलाया, इनवाइट करा, लेकिन आप नहीं पहुंचे, इसका मतलब आप मान रहे हैं? ना, उन्होंने जो बात कही थी, हमने नहीं कही कि जो हमारे साथ नहीं है। राजनीतिक में बहुत से संबंध ऐसे होते हैं, जो लोग साथ रहते हैं और नहीं भी रहते हैं तो उनसे संबंध खत्म नहीं कर लिए जाते हैं।
इनवाइट करा अलग जीत है, इनवाइट नहीं तो पार्टी अलग चीज़। इनवाइट करा उन्होंने, इनवाइट किया था उन्होंने। फिर किन्ने दुश्मन माना है आपने उन्हें? ना हमने दुश्मन नहीं माना, हम तो थे नहीं, बाहर थे। आप तो सुबह गए थे यहाँ से? हाँ सुबह गए थे, उनका कार्यक्रम तो दोपहर में था। लेकिन आप पहले ही चले गए? अरे भाई बेटे को छोड़ने जाना था इसलिए जाना था। तो अब आगे मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, अब आपकी सभा देखने को कब मिलेगी? जब समय आएगा हम आपको बता देंगे।